पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने एक और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, जिसे देश का कुल पदक आंकड़ा 9 तक पहुंच गया है। नितेश कुमार ने मेन सिंगल्स बैडमिंटन SL3 इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। इस ऐतिहासिक मुकाबले में नितेश ने ग्रेट ब्रिटेन ने डेनियल बेथेल को हराकर देश को गर्व का एक और क्षण दिया। बैडमिंटन SL3 इवेंट के फाइनल में नितेश कुमार और डेनियल बेथेल के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। नितेश ने पहले सेट में बेहतरीन खेल दिखाते हुए 21-14 से जीत हासिल की। हालांकि दूसरे सेट में उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जहां बेथेल ने 18-21 से सेट जीतकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। तीसरे और निर्णायक सेट में नितेश ने अपने धैर्य और कौशल का प्रदर्शन करते हुए 23-21 से सेट जीतकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। इस जीत के लिए नितेश को कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जहां दोनों खिलाड़ी आखिरी तक एक एक अंक के लिए संघर्ष करते दिखे। पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए यह दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले शूटर अवनि लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में स्वर्ण पदक जीता था। अब तक भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर कुल 9 पदकों का आंकड़ा छू लिया है। आज के दिन भारत के 2 और स्वर्ण पदक मैच हो रहे हैं, जिससे पदकों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है। नितेश कुमार की इस उपलब्धि ने देशवासियों को गर्वित किया है और आने वाले मैचों में भी भारतीय दल से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ा दी है।